जी सिद्ध साहब, जिमनी चोन जलंधर भी पहला पहला ही लगता सी बहुत ठंडी चल रही है, और पिछले 2 दिनों तो बहुत ज्यादा घमासान चल रहा है जी। कल मुख्यमंत्री साहब नु भी ट्वीट करना पै गया। काफी कुछ हो रहा है जी। हुण असल दे विच पहली गल ये कि उत्थे जिहड़ी कांग्रेस की स्थिति है वह मजबूत होने कारण उत्थे आम आदमी पार्टी नूं पूरा जोर लाना पै रहा है। बाकी यह है कि इन्होंने जिहड़ी संगरूर वाली इलैक्शन सी ना उहनूं लिया पोले हथीं, उदों हाँ यह जी, सी ताजा ताजा जित दा सुरूर सी कि यार ये तां जित वटदी पई है, ते लगदा अपने वर्गे लोकां नूं भी नहीं सी कि सिमरजीत सिंह मान होरे जित जाणगे। सानूं यह लगदा कि शायद दूजियां धिरां दे विच वोट वंडी जावे ते इहनां कोल खड़ी रहि जावे वोट। उदों सिद्धू मूसेवाले की मौत है जिहड़ी, उह कह सकदे आपां कि किते ना किते सत्ताधारी धिरते भारू पै गई, ते सिमरजीत सिंह मान होरां नूं उहदा भी फायदा होया। मान साहब इत्थे का तो बयान दिया गया सी, तुम जी सिमरनजीत सिंह मान साहब का बयान आ गया सी, कहिंदे सिद्धू मूसेवाला ते दीप सिद्धू की मौत का सिख कौम नूं बहुत ज्यादा फायदा हो गया। काफी वायरल हुई सी वीडियो जी। मान साहब नूं तां हो ही गया जी, सिख कौम नूं तां चल ना भी होया। ते इत्थे जे देखणा होवे जलंधर दे विच, इत्थे जलंधर दी स्थिति टोटल हटमी आ। उत्थे क्योंकि एक तां इह है कि दलित वोट बैंक बहुत वड्डा है, और दूसरा जिहड़ा दलित भाईचारा उत्थों दा वह पैरां सिर है, रविदासिया भाईचारा वड्डी गिणती दे विच है, ते उहदे चों ही अगे चौधरी संतोख सिंह और आउंदे सीगे, उहनां दे परिवार दा दबदबा उत्थे लगातार बड़ा रहा, ते जी कांग्रेस पार्टी दा भी रहा क्योंकि 17 बार इलेक्शन हुंदी है, 13 बार कांग्रेस की जित हुंदी है। चलो उस च चौधरी परिवार किन्ने बारी जितता या दूजियां 13, वो तो चल वक्री गल है। हुण जिहड़ी स्थिति है वह सब तो औखी है कि मौजूदा सरकार दे वास्ते, क्योंकि उन्होंने जे लगातार दूजी हार मिलती है विधानसभा जितने तो बाद, तो बड़ी नवोशी वाली गल है। इस करके उन्होंने अड्डी चोटी का जोर जरा कहने होंगे ना वो लाया होया, क्योंकि चोटी दे उन्होंने आपके लीडर भी लियांदे हुए, दिल्ली वाले भी है जेडे, वो भी उन्होंने भी गेड़ा इतने वजदा है। पंजाब तो लगभग हरेक जेड़ा वड्डा आगू है उहदियां ड्यूटियां लगियां हुई ने, उत्ते वो पूरी सरगर्मी ना चलते है। अकाली दल नूं लगदा सी शायद थोड़ा बहुत फायदा होगा, पर पता नहीं किन्ना फायदा होऊ ये तां अड गल है, क्योंकि एक पासे प्रकाश सिंह बादल होरां दी मौत, ते दूसरा ये कि सारे सियासदान वो तो उत्थे बिजी हो गए, 4 मई तक तो उत्थे रहणगे जां उहनां हाँ नूं जी, जाणा पऊगा। इस करके वो चोण कंपेन उवें संभाली नहीं जा सकती जिवें संभालनी चाहीदी सी। बीजेपी है उहने भी पूरा काम आपदा झोंकता, बीजेपी ने अकाली दल वाला चो आया वा उम्मीदवार जिहड़ा गा वो रख्या आपदे कोले, उहनां दे कोले कोई है नहीं सीगा इहो जिहा कह सकदे हां। यही हाँ स्थिति है जिहड़ी वो आम आदमी पार्टी दी है कि उन्होंने भी एक तरह ना कांग्रेस चो उम्मीदवार लिया। सवाल है कि जे तुहाडे कोले ये तुसीं कहिंदे हो कि साडे कोल तां हीरे जां कुछ होर सी, फिर उहनां चो किसे नूं इत्थे क्यों नहीं दा दित्ता, इत्थे क्यों नहीं खेडिया गया उहदे ते, इहदा गांह की फायदा हो पता नहीं, पर एक बारी ये स्थिति है। दूजा मिणो मिणी होण दा काम आ गया जी। एक पासे जथेदार जिहड़े प्रधान ने एसजीपीसी दे मिस्टर धामी, उन्होंने ट्वीट किया ते उहदे ते मुख्यमंत्री का ट्वीट आउंदा कि सानूं तां जिहड़ी पार्टी गुरु ग्रंथ साहिब दी बेअदबी दे मामले दे विच नामजद होवे, जिहदे आगू होण, उहनां तां वोटां मंगण दा अधिकार ही नहीं। हाँ इहदे ते जिहड़ा अगला सवाल है उह धामी होरां ने कहता, ट्वीट उन्होंने करता कि मरिंडे वाली बेअदबी है, होई है तुहाडे राज हुई है, तुसीं उह तों किवें भास सकदे हो, किवें मुनकर हो सकदे हो, तुहाडे राज वी घटनावां हुंदियां ने। पहली गल तां इह है कि जिहड़ा मुख्यमंत्री साहिब ने बयान दित्ता है, ठीक है बयान तक तां उह सीमित है, सही होगी गल भी चलो विरोधियां नूं रोकणा है, अजे दोषी करार तां नहीं ना दित्ते गए, इस करके तुसीं इह तां कहणे नहीं बणदा कि तुसीं किहड़े मुंह नाल वोटां मंगदे हो। हाँ जे किते कोई पक्ष होण उहदे खिलाफ जांदी होवे गल, दोष लगण, फिर उस तों बाद तां इह गल कहणी बणदी है, पर सियासत च इह सारा कुछ चलदा है। हुण अगे आ गया चन्नी साहब, वो भी कहिंदे जी कि पंथ दे उत्ते जां गुरु घरां दे उत्ते कब्जा करना चाहुंदी आम आदमी पार्टी। ਉਹ ਮਰਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਗਰਮੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ 1 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਹਫਤਾ ਪੂਰਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋਰ ਜਤਨ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, 10 ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ, 13 ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਣੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ,
माड़ी तो नहीं रहूगी क्योंकि अगले ने जितना है, पर जे कि हार हाँ जाती आम आदमी पार्टी फिर नमोशी बहुत वड्डी है।